नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं गोचर से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर प्रिय दर्शकों आजकल आप गोचर कुंडली को देख रहे हैं गोचर कुंडली में एक विशेष स्थिति कालसर्प की बनी हुई है बहुत से लोगों का यह मानना है कि कालसर्प जैसा कुछ नहीं होता बहुत से विद्वानों का ये मानना है मत है कि काल सर्प की कोई प्रामाणिकता नहीं है मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और जो ये मानते हैं कि काल सर्प की प्रामाणिकता चाहे जितनी भी हो परंतु उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है मैं उनका भी सम्मान करता हूँ मैं समझता हूँ कि अगर बाद में भी इसको जोड़ा गया जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर्पय योग का कहाँ प्रमाण है मैं उनकी बात का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर बाद में भी यह जोड़ा गया और इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है मैं सदैव इस कालसर्प के ऊपर वीडियो बनाकर के आप लोगों को बताया हुआ है कि आम तौर पर जिस कालसर्प से आपको डराया जाता है वो तो होता ही नहीं है बल्कि वो तो राजयोग है स्वयं अपने आप में आप इस विषय को सुनते हैं पढ़ते हैं पर मानते नहीं हैं जानते हैं पर मानते नहीं हैं कालसर्प योग इस समय गोचर कुंडली में बना हुआ है आप इसको देखिए आप इसे देखिए राहु और केतु के मध्य मध्य मतलब मध्य साथ नहीं कई बार तो आप लोगों को एकाध ग्रह बाहर है तो यह कह कहकर के शांति करा दी जाती है कि एक आंशिक काल सर्प योग है जबकि एक या दो ग्रह बाहर हो जो ग्रह बाहर हो उस ग्रह के प्रभाव से जातक की विशेष उन्नति होती है तो कालसर सदैव खराब नहीं होता आज प्रत्येक राशि के लिए गोचर कुंडली में बना यह जो योग है हालांकि अभी लगभग आठ अप्रैल तक यह स्थिति बनी रहेगी बीच बीच में केवल एक चंद्रमा है जो इस परिधि से बाहर निकलेंगे लेकिन चंद्रमा भी चूंकि अकेले हैं सो कही कहीं ना कहीं कि मद्रुम योग की ही स्थिति बनती रहेगी तो बीच बीच में चंद्रमा जरूर इस परिधि से बाहर निकलेंगे लेकिन बाकी स्थितियों में देखें तो गोचर कुंडली में इस समय कालसर्प योग पूर्णतः निर्मित है अब देखा जाए तो राहु इस समय सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और केतु शनि के नक्षत्र में जरा ध्यान से समझिएगा इस समय सूर्य के नक्षत्र में राहु है और शनि के नक्षत्र में केतु है सो कहीं ना कहीं थोड़े विषाद की स्थिति जनमानस पर उत्पन्न होने वाली है मन में कहीं ना कहीं उहापोह और उच्च शासन और प्रशासन वर्ग से कहीं ना कहीं सबों के मन में आम जनता के मन में रोष उत्पन्न होने वाला है सूर्य शासन प्रशासन सरकार और शनि जनता आम आदमी और इन दोनों के नक्षत्रों में राहु और केतु का होना भ्रम और रोष की स्थिति उत्पन्न करेगा कुछ मामलों में लोग भ्रामक स्थिति में भी होंगे कि वो सही फैसला न ले पाए और कुछ मामलों में लोग दुखी होंगे रोष की स्थिति में होंगे ये ग्रह स्थिति के कारण उत्पन्न होगा तो वहीं एक और पॉइंट है जिसे मैं अभी दो मिनट में आपको समझा देता हूं फिर मैं प्रत्येक राशि के लिए काल सर्प कैसा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इसकी एक सामान्य सी चर्चा मैं करूंगा देखिए प्रिय दर्शकों शनिदेव के नक्षत्र चरण परिवर्तन की पिछले दिनों मैंने चर्चा प्रारंभ की थी लेकिन शनिदेव के वक्र हो जाने के बाद द्वितीय चरण के बाद इस चर्चा को मैं छोड़ दिया और अभी शनिदेव तीसरे और अब चौथे चरण में संचरण प्रारंभ कर चुके हैं सो मैं अभी तो चौथे चरण की थोड़ी चर्चा कर देता हूँ जब धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनिदेव पहुँचेंगे तो जितने लोगों का धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए और बाकी की परिस्थिति क्या बनती है उनके लिए मैं प्रभाव बताऊंगा ये तो आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया था कि साढ़े हो या ढैया विशेषकर साढ़े साथी साढ़े के साढ़े सात साल पूरी तरह से दुष्प्रभावी अगर हो जाए तो व्यक्ति जाएगा कहाँ सिर्फ नब्बे दिन और वो नब्बे दिन कौन से हैं? तो वो नब्बे दिन है जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ जिस नक्षत्र चरण में आपका जन्म हुआ उस पर जब शनिदेव आते हैं तो तीस दिन बीस दिन तीस दिन तीस 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 जैसे साढ़े साती का क्या साढ़े साती कैलकुलेशन का तरीका क्या है ढाई साल ढाई साल ढाई साल एक राशि पीछे एक राशि आगे एक राशि आपकी साढ़े सात साल हो गया वैसे ही एक नक्षत्र चरण पीछे एक नक्षत्र चरण आगे एक नक्षत्र चरण आपका अभी श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनिदेव गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत मामूली है सत्रह फरवरी को यह चले जाएंगे धनिष्ठा में श्रवण में है धनिष्ठा में चले जाएंगे ये चंद्रमा का नक्षत्र है अब यहां देखा जाए तो जितने लोगों का जन्म श्रवण के चतुर्थ चरण में हुआ है वो जितने लोगों का धनिष्ठा के प्रथम चरण में जन्म हुआ है वो और जितने लोगों का जन्म श्रवण के तृतीय चरण में हुआ है वो इन सबों को विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है कोई नया कार्य इस समय हो सके तो करने से बचिए नया कार्य प्रारंभ मत करिए नहीं तो इस साढ़े साथी के विशेष प्रभाव में आप आ जाएंगे और इस दौरान आपका किया हुआ कार्य हो सकता है अभी आपको उसका प्रभाव न समझ में आए आगे तक आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा सो वो सभी लोग जो श्रवण नक्षत्र के तृतीय श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे हैं उनसे मेरा यह निवेदन है कि इस नब्बे दिन के पीरियड को जरा संभालें विशेष करके जो श्रवण के द्वितीय चरण वाले हैं वो लगभग लगभग अब इस परिधि से बाहर हैं लेकिन साढ़े साथी का दौर है सो बड़ा सतर्क होकर के ही काम करना है श्रवण के चूंकि ये सब मकर राशि के अंतर्गत आते हैं श्रवण के जो चतुर्थ तृतीय चरण के हैं वो अभी पूरी तरह सतर्क रहे सावधान रहें कोई नया कार्य आपको नहीं करना उत्तरा साढ़ा में जो लोग हैं वो बाकी के अपने काम परिस्थितियों के हिसाब से करें अब आपके लिए उतरती हुई साढ़े साथी है आपको अब ज्यादा चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तो इतनी ही बातें बतानी थी बाकी उपाय तो आपको सदैव कहा करता हूं जितने भी लोगों को साढ़े साथ ही चल रही है चाहे वो वृश्चिक राशि हो धनु राशि हो मकर राशि हो कुंभ राशि हो ढैया है आ, मिथुन राशि को तुला को राशि से शनि पंचमस्थ हैं कन्या को आप सबों को बस हनुमान जी के शरण में रहना है और वक्त वक्त पर शनि जी के शनि के लिए जो प्रयोग मैं बताया करता हूं वो प्रयोग आपको करते रहना है हनुमान जी की शरण में रहिए उनका भजन कीर्तन करते रहिए आप बचे रहेंगे अब हम चलते हैं गोचर की ओर यहां राहु सूर्य के नक्षत्र में केतु शनि के नक्षत्र में अब जरा गौर करिए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में काल सर्प का ये जो निर्माण हो रहा है द्वितीय भाव में हो रहा है सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण आपको बेहद सतर्क रहना होगा अपनी वाणी को अपनी आंख को लेकर के खान पान पर नियंत्रण मद्यपान इत्यादि से बचिए और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचिए वृषभ मेष राशि के जातकों को बेहद सजग सतर्क परिवार के मध्य कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर के बहस विवाद की स्थिति अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो आपको इस गोचर के चलते बहुत सतर्क और सावधान रहना है मेस के लिए ये थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा वृषभ के लिए अगर देखा जाए तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएगा मन में तरह तरह की वैसे देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं आप सफल रहेंगे सफलता आपको मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया कोई गलत कार्य आपकी छवि को धूमिल कर सकता है तो वृषभ राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके इज्जत सम्मान मान सम्मान पर बनाए लोग आपके कार्य पर उंगली उठाएं तो आपको बहुत सजग सतर्क और सावधान रहना है गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना जीवन साथी का सम्मान करिए और वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए तो सब कुछ ठीक होगा माता पिता की कही बात को मानिए उनका आदर करिए निरादर करने से बचिए मिथुन के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो बिल्कुल ठीक नहीं है आप मुसीबत में पड़ जाएंगे बहुत सतर्क सजग रहिए ढैया भी चल रही है ये सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे राहु शनि का केतु के साथ संबंध होना आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित हालांकि जीत अंत में आपकी होगी लेकिन जरा सोच के देखिए कि लड़कर कभी कोई जीता भी है तो क्या बिना नुकसान के जीता है तो आप याद रखिए कि आपको बहुत सजग रहना है सावधान रहना है सतर्क रहना है परेशानी में पड़ेंगे कानूनी दावपेच में फंस सकते हैं तो सतर्कता बेहद आवश्यक है जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं यह समय अभी चल रहा है आठ अप्रैल तक बीच बीच में चंद्रमा के परिधि से बाहर निकलने से इसकी में कमी तो आएगी लेकिन फिर भी इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो वहीं कर्क के लिए लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है आप महसूस करेंगे कि लाभ आते आते रुक जा रहा है जैसे पैसे की स्थिति बन गई आगमन हो रहा है फिर रुक करके आ रहा है पिता के साथ अनबन मतभेद की संभावना बड़े भाई से अनबन मतभेद की संभावना बनेगी परंतु लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है फलस्वरूप आपके लिए भी इस गोचर को मैं श्रेष्ठ मान रहा हूं तो अनबन जरूर थोड़ी हो सकती है बड़े से घर में जो बड़े लोग हैं बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन धनागमन में आपके कोई कमी नहीं होगी धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा तो कुछ हद तक आपके लिए ठीक है विद्यार्थियों की शिक्षा में यह बाधा उत्पन्न करने वाला होगा शिक्षा से मन भ्रमित होगा मन भटकेगा भागेगा तो शिक्षा विद्यार्थियों की ठीक नहीं है प्रेमियों के लिए यह पंचम भाव से संबंध होता है तो प्रेम संबंध में परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाला है सिंह के लिए भी ठीक है कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी लेकिन बॉस से संबंध नहीं बन पाएगा बॉस से संबंध खराब होगा पिता के साथ आप काम करते हैं तो पिता के साथ मतभेद पिता के साथ परेशानी उत्पन्न करने वाला बनेगा यह गोचर तो अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों को अगर नौकरी में परेशानी आती है तो फिर दूसरी नौकरी आ जाएगी एक अच्छी बात है लेकिन फिर भी बॉस बॉस चाहे जो हो के साथ संबंध बिगड़ने वाला है तो आपको सजग सतर्क और सावधान रहना है लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बुरा नहीं है अगर बात कन्या की करें तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी पिता के साथ अनबन धर्म कार्य से कही कहीं ना कहीं विमुख होना धर्म विरुद्ध जाना और अपने माता पिता परिवारजनों का विरोध बि, करना उनके साथ व्यर्थ का विरोधाभास उत्पन्न कराने वाला समय होगा यात्रा कराएगा और यात्रा भी व्यर्थ की व्यर्थ की होगी पड़ोसियों से मतभेद छोटे भाई बहनों को लेकर के, के मतभेद तनाव परेशानी यानी कहीं ना कहीं आपको भी बेहद सचग सतर्क रहना है बदलाव होने जा रहा है लेकिन आपको राशि से जब तक शनि पंचमस्थ हैं और अभी ये समय आपको भी सावधानी रखनी होगी अगर हम तुला की बात करें तो चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना कराने वाला है यह समय वाणी पर नियंत्रण रखना होगा हालांकि आकस्मिक धन लाभ तो कराएगा लेकिन धन संचय की स्थिति नहीं बन पाएगी खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण मद्यपान मांसाहार से दूरी और अगर आपको पहले से ही कोई बड़ा रोग इत्यादि है नसों से संबंधित परेशानी जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी इस गोचर काल के दौरान इस समय के दौरान अप्रैल तक ये जो समय है बन सकती है तो आपको बहुत सतर्क रहना है स्वास्थ्य का ख्याल रखिए पहले से ही जैसे स्पॉन्डलाइटिस इत्यादि की परेशानी है या नसों से संबंधित जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी है आप आजकल जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नसों से संबंधित कंप्यूटर पर बैठने के चलते परेशानी तो हो ही जाती है ये बढ़ जाएगी तो आपको बहुत सतर्क रहना है हार्ट के पेशेंट हैं आप और अगर आप तुला राशि के हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी बहुत सतर्क रहिए और अगर हम बात वृश्चिक की करें तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह और का वातावरण उत्पन्न करेगा हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है व्यापार में लाभ तो रहेगा लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार है और कहीं आपका पार्टनर आपसे बड़ा है उम्र में तो उसके साथ मतभेद मनभेद हो जाएगा जैसे कई बार होता है कि पार्टनर के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था पार्टनर बड़ा था उम्र में आपसे वो जैसा कहता था आप मानते थे लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो जाएगी मतभेद हो जाएगा जीवन साथी से भी थोड़ी अनबन की संभावना है तो घर में कलह का वातावरण होगा तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है मैं ऐसा नहीं कह सकता परेशानी देने वाला है तो बहुत सतर्क रहिएगा यह आपके लिए जो कालसर्प की स्थिति गोचर में बनी हुई है ठीक नहीं है इस समय के दौरान हो सके तो विवाह इत्यादि करने से बचिए विवाह का नया रिश्ता इत्यादि स्वीकार करने से बचिए तो इसमें सावधान आपको रहना है पर धनु के लिए ठीक है क्योंकि वैसे तो सष्ट में है कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता इस भाव को लेकिन बुराई से बुराई को काट कर अच्छाई निकल आती है तो यहाँ कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ परेशानी है तो यहां आपकी जीत है लेकिन फिर भी आप कही न कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे स्वास्थ्य में आपको भी जैसे जोड़ों में दर्द हड्डियों से संबंधित परेशानी चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना पर मैंने जैसा कहा कि हर तरह की परेशानी से अंत में देखा जाता है तो अंत में विजय आपकी है तो यह गोचर आपके लिए ठीक माना जाएगा यह कालसरप की स्थिति आपके लिए ठीक है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो थोड़ा सा मन लगाइए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा मकर के लिए अगर देखें तो बिल्कुल ठीक नहीं है प्रेम संबंध में परेशानी गर्भावस्था की स्थिति है तो वहां परेशानी वैमनस्य मतभेद संतान के साथ मतभेद गृह कलह की स्थिति आता हुआ धन रुक जाना तो कही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति संशय की स्थिति आपके लिए बनी हुई है परेशानी की स्थिति है आपके लिए तो मकर राशि के जातक पूरी तरह सजग सजग सतर्क और सावधान रहें यही स्थिति कमोबेश कुंभ की भी है घर में कलह की स्थिति घर में कलह का वातावरण माता के साथ रोष माता के साथ मतभेद माता के स्वास्थ्य में परेशानी मित्रों से धोखा अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता से धोखा तो कही न कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति आपके लिए भी है कुंभ के लिए भी यह काल सर्प की स्थिति कतई ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है परेशानी लाने वाला है और मीन के लिए यह काल सर्प वाला जो संयोग है ठीक है सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर करे ये राहु आपको लाभ देंगे धर्म कार्य में भी कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड लेकिन रुचि होगी धार्मिक कृत्य आप कर सकेंगे काम आपके बनेंगे पिता से सहयोग मिलेगा पिता का अपमान निरादर मत करिएगा नौकरी पैसा है तो बॉस का निरादर मत करिए अपमान मत करिए तो यह गोचर आपके लिए ठीक होगा यह काल सर्प आपके लिए ठीक होगा तो कुल मिलाकर के दो तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह समय कुछ हद तक ठीक होगा यह बुराई से अच्छाई निकलने जैसा है लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि सूर्य के नक्षत्र में है राहु और शनि के नक्षत्र में है केतु और इनका संबंध होने के कारण थोड़ी परेशानी होगी फिर भी वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है जन्म कुंडली में और कोई विशेष बुरी स्थिति नहीं चल रही है तो वो मेहनत करें पुरुषार्थ करें आपके मेहनत और पुरुषार्थ से आपके सभी काम बनेंगे और साथ ही साथ इस गोचर की स्थिति से बचने के लिए शिवजी की आराधना करिए सोमवार के सोमवार जी पर दूध और काले तिल का मिश्रण जाकर के अर्पित करिए निसंदेह आपको लाभ होगा और इस परिस्थिति से इस ग्रह स्थिति से आप बच सकेंगे तो आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार